प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चूंकि यह एक बहुत ही लंबी कविता है, इसलिए एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जबकि दूसरे और तीसरे भाग में यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए अब मैं पार्ट 1 वीडियो के रूप में इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये छायावादी युग के प्रबल स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ हैं। ये मूलतः प्रकृति के कवि हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण मिलता है। यही कारण है कि इनकी काव्य रचनाओं को देखकर कुछ विद्वानों ने इन्हें प्रकृति के चितेरे कवि कहा है, तो कुछ विद्वानों ने सुकोमल भावनाओं का कोमल कवि कहा है। यही नहीं, कुछ विद्वानों ने प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा है। उनके काव्य ग्रंथों में गांधीवादी दर्शन का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। प्रकृति, नारी और सौंदर्य को इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से उदात्त रूप प्रदान किया है। आह धरती कितना देती है इनकी एक बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना पल्लव नामक काव्य ग्रंथ से संग्रहित है। इस कविता में कवि ने अपने बचपन की बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से एक जीवन सत्य को उद्घाटित किया है। कवि का मानना है कि मनुष्य के जीवन में अर्थ का विशेष महत्व होता है, इसीलिए वह अर्थ को पाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार रहता है। संभवतः इसीलिए इसका महत्व न तो कभी कम हुआ है और न ही भविष्य में इसका महत्व कम हो सकता है। कवि के मन में भी एक बार कुछ इसी प्रकार धन दौलत या संपत्ति को प्राप्त कर चुपचाप धनवान बनने की भावना बचपन में ही उत्पन्न हो गई थी और वह एक दिन भारी सेठ बन जाएगा। कवि धनवान बनने की
लालसा में एक बार धरती में पैसों का एक बीज बो देता है ताकि वहां पैसों के पेड़ उग जाएं और वह चुपचाप धनवान बन जाए। परंतु धीरे धीरे अर्धशती बीत जाती है, यानी 50 वर्ष बीत जाते हैं, किंतु पैसों के बीज वहां अंकुरित नहीं होते हैं। फिर कवि की धारणा धरती के प्रति बिल्कुल बदल जाती है और वह इसे बंध्या तक भी कह देता है। दूसरी बार कवि बरसात के मौसम में अपने घर के आंगन के एक कोने में भीगी नरम नरम धरती की तह को अपनी उंगली से कुरेद कर, यानी सहलाकर मिट्टी के नीचे सेम के एक बीज को इस प्रकार दबा देता है जैसे धरती की साड़ी के छोर में माणिक रत्न बांध दिए हों। फिर कुछ दिनों के बाद वहां अंकुर फूट पड़ते हैं। यह देखकर कवि हैरान हो जाता है, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। कुछ दिनों के बाद वहां बेलें बल खाकर आगे निकलती है और धीरे धीरे उसमें सैकड़ों फूल खिल जाते हैं। कवि कोमल कोमल नुकीली तथा मखमली मोटी फलियां को लटकते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है। कवि सुबह दोपहर और संध्या समय उन्हें तोड़ता है, स्वयं तो खाता ही है और अपने पास पड़ोस के परिचित अपरिचित सभी लोगों को भी देता है, पर वे कम होने का नाम ही नहीं लेती है। यह सब देखकर कवि का धरती के प्रति विचार बदल जाता है। कवि को बंध्या धरती अब रत्नप्रस्विनी जान पड़ती है, यानी कवि ने जिस धरती को बंध्या कहा था अब वही धरती उन्हें रत्नप्रस्विनी जान पड़ती है। कवि अंत में इसी निर्णय पर पहुंचता है कि धरती माँ बिल्कुल बंजर नहीं है, वह तो रत्नों को जन्म देने वाली है। धरती माता हमें सब कुछ प्रदान करती है। चूंकि कवि यानी मैंने अपने बचपन में स्वार्थ एवं लोभ के वशीभूत होकर जमीन में पैसे बोए थे ताकि वह धनी बन जाए, इसलिए वहां पैसे के पेड़ बिल्कुल नहीं उगे। परंतु जब मैंने यानी कवि ने दूसरी बार सेम के बीज बोए तो वहां प्रचुर मात्रा में सेम हुए। सेम यानी सीम तो इतने हुए कि कवि यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। आसपास के लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं। सीम की फलियां खा खाकर कवि तो अघा जाते ही हैं। कवि सीम की फलियों को आसपास के लोगों में बांट देते हैं, अपने परिवार के लोगों में, सगे संबंधियों में, मित्रों में, अतिथियों में तथा अपरिचित लोगों में बांटने पर भी वह सीम या सेम खत्म नहीं होता है। यह सब देखकर कवि इस घटना से इस निर्णय पर पहुंचता है कि मोह तृष्णा और लालसा के स्थान पर हमें हमेशा समता ममता और क्षमता के दाने बोने चाहिए। कवि का मानना था कि मैंने यानी कवि ने अज्ञानतावश धरती में गलत बीज बोए थे, इसलिए वहां बीज से अंकुर नहीं निकले। इसमें धरती माता का कोई दोष नहीं था। दरअसल
वे बीज तो मोह के थे और धनवान बनने के लालच में मैंने यानी कवि ने उसे बोया था तथा सींचा था। फिर भला वह कैसे उगता, कैसे उसमें पैसे उगते? जो बीज यानी कार्य लालच के कारण बोए यानी किए जाते हैं वे कभी नहीं फलते हैं, और जो कार्य परमार्थ के लिए बोए यानी किए जाते हैं वे तो अवश्य फलते हैं। अन्न के बीज इसलिए फलते हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ का भाव न होकर परमार्थ का भाव छिपा हुआ होता है। अन्न की फसल से सारे संसार के प्राणियों का भरण पोषण होता है, इसी से वे बीज फलते हैं। अतः हमें सदैव मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण व्यापक तौर पर अपनाने से ही मानव जाति का सदा कल्याण होगा। यह धरती प्राणी मात्र के लिए उपयोगी, फलदायक और मंगलमय सिद्ध होगी। आशा करता हूँ आप इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब मैं सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित आह धरती कितना देती है सरसक कविता का उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आह धरती कितना देती है सरसक कविता का उद्देश्य या संदेश। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये मूलतः प्रकृति के कवि हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण मिलता है। आह धरती कितना देती है सरसक कविता एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता में कवि का जीवन दर्शन छिपा हुआ है। कवि का मानना है कि आज का युग अर्थ प्रधान युग है। मनुष्य अर्थ प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहता है। अर्थ प्रधान युग होने के कारण ही कवि के मन में भी बचपन में धन प्राप्त करने की एक बार लालसा उत्पन्न हो गई थी और छिपकर पैसों के बीच बो दिए थे ताकि वह धनवान बन जाए। यानी कवि के मन में धनवान बनने की तीव्र लालसा छिपी हुई थी, परंतु धीरे धीरे अर्धशती बीत जाती है यानी 50 वर्ष बीत जाते हैं किंतु पैसों के बीज वहां अंकुरित नहीं होते हैं। फिर कवि की धारणा धरती के प्रति बिल्कुल बदल जाती है और वह इसे बंध्या तक भी कह देता है। दूसरी बार कवि बरसात के मौसम में मिट्टी के नीचे सेम के एक बीज को इस प्रकार दबा देता है जैसे धरती की साड़ी के छोर में माणिक रत्न बांध दिए हों। कुछ दिनों के बाद वहां अंकुर फूट पड़ते हैं। यह देखकर कवि हैरान हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वहां बेलें बल खाकर आगे निकलती है और धीरे धीरे उसमें सैकड़ों फूल खिल जाते हैं। कवि कोमल कोमल नुकीली तथा मखमली मोटी फलियां को लटकते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है। कवि स्वयं तो खाता ही है और अपने पास पड़ोस के परिचित अपरिचित सभी लोगों को भी देता है, पर वे कम होने का नाम ही नहीं लेती है। यह सब
देखकर कवि का धरती के प्रति विचार बदल जाता है। कवि को बंध्या धरती अब रत्नप्रस्विनी जान पड़ती है। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि गलत बीज धरती पर अंकुरित नहीं होते हैं। अंत में वह यानी कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोह और तृष्णा के स्थान पर प्रेम और समता की भावनाओं की प्रतिष्ठा ही जीवन के सुख का ठोस आधार है। मानव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मोह तृष्णा और लालसा के स्थान पर हमें हमेशा समता ममता और क्षमता के दाने बोने चाहिए। अतः यदि हम सचमुच मानव जाति का कल्याण करना चाहते हैं तो इस धरती पर सच्ची समता क्षमता और प्रेम तथा सहानुभूति का बीज बोना होगा। जब तक धरती पर इन गुणों का विकास नहीं होगा तब तक समाज सुखी नहीं हो सकता है। यही कारण है कि कवि भी क्षमता समता और ममता के बीज बोने पर बल देता है। यह कविता हमें स्वार्थ और लोभ का परित्याग कर श्रम त्याग और परोपकार की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। अतः लोभ और तृष्णा के आधार पर बोया हुआ बीज हमेशा समाज में कुफल ही देता है। इससे मानव जाति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। अतः हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें केवल अपना हित छिपा हुआ हो। ऐसा कार्य समाज के लिए कभी भी हितकारी नहीं होता है, बल्कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें या जिससे सबका कल्याण हो। अन्न की फसल से सारे संसार के प्राणियों का भरण पोषण होता है, इसी से वे बीज फलते हैं। अतः हमें सदैव मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण व्यापक तौर पर अपनाने से ही मानव जाति का सदा कल्याण होगा। यह धरती प्राणी मात्र के लिए उपयोगी फलदायक और मंगलमयी सिद्ध होगी। कविता की अंतिम पंक्तियां जहां एक ओर कविता के उद्देश्य को प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर कविता का मूल भाव को भी संकेत करती है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे, कहकर कवि अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। आशा करता हूं आप इस कविता का मूल भाव और उद्देश्य को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है। यह एक एडुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नज़र आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।